हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक है एबॉर्शन होने के बाद प्रेग्नेंट आप कब हो सकते हैं, कब आपको कंसीव करना चाहिए। सो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शबीना। चलिए, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। बट गाइज, वीडियो कॉल्स हम लोग में नहीं अलाउ है, तो आप वीडियो कॉल्स नहीं करें, अपने वॉइस मैसेज भेज दें, अपनी रिपोर्ट्स भेज दें। मेरी असिस्टेंट जब भी देखेंगी तो आपको जवाब देंगी। बहुत से पेशेंट मुझसे जुड़ रहे हैं बट मैं वीडियो कॉल्स गाइज नहीं रिसीव करती हूँ। मुझे नीड होगी तो मैं वीडियो कॉल्स अटेंड करूँगी बट मैं वॉइस कॉल ज़रूर रिसीव करती हूँ। मेरी असिस्टेंट सारी रिसीव करती है और मुझे नीड होगी तो मैं कॉल बैक करके आपसे ज़रूर बात करूँगी। तो चलिए गाइज, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी कमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझसे, या फिर मुझसे आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ के बात कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि आपको प्रेग्नेंट कब होना चाहिए, जब आपका एबॉर्शन हो चुका है। आइदर आपका एबॉर्शन सेल्फ हुआ हो या फिर आप डीएनसी कराई हो, तो आपको प्रेग्नेंट कब होना चाहिए। मेडिकली देखा गया है कि 2 to 3 मंथ में आपको प्रेग्नेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गैस, जैसे ही आपकी डीएनसी हुई, ठीक है, वैसे ही आपको, कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके बहुत पेड़ों में दर्द रहता है, ठीक है, आपको बहुत वीकनेस लगती है, ठीक, आपका कभी कभी क्या होता है कि ब्लड नहीं बंद होता है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से विजिट करना पड़ता है। तो हम लोग क्यों एडवाइज़ करते हैं कि 2-3 मंथ के बाद ही आप कंसीव करिए, तो इसलिए हम लोग एडवाइज़ करते हैं क्यों, ताकि आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अच्छे से बन जाए, यानी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छे से डेवलप हो जाए, आपको मंथली वाइज 2-3 बार पीरियड अच्छे से खुल के आने लगे और आपकी यूट्रस, आपका जो यूट्रस है बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी हो जाए। और जो आपका ब्लड लॉस हुआ है ड्यूरिंग डीएनसी टाइम या फिर आपके जब एबॉर्शन हुआ है, अगर आपका एबॉर्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हुआ हो या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका ब्लड लॉस तो हुआ है, तो ये ब्लड लॉस जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। आप अच्छे से जब हेल्दी डाइट लेंगी तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन हो जाएगा और आपका यूट्रस भी अच्छे से हेल्दी हो जाएगा। इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं आप 2-3 मंथ बाद कंसीव करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है बहुत सी लेडीज का, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि क्या मैम जल्दी से अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो उसमें कोई रिस्क है? तो गाइज, ऐसा नहीं है। रिस्क किस केस में होता है? पहला, अगर आप एबॉर्ट किए हैं बच्चा तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। बट अगर आप दो, आपका 2-3 मिसकैरेज हुआ है, 2-3 एबॉर्शन हुआ है, तो आपको एटलीस्ट 2-3 मंथ देना चाहिए अपनी बॉडी को हील अप होने के लिए, ताकि आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छे से मेंटेन हो जाए और आपका यूट्रस भी अच्छे से हेल्दी हो जाए। और जितनी भी लेयर्स है, ये बच्चेदानी में जितनी भी तीनों लेयर होती हैं, वो तीनों लेयर भी अच्छे से डेवलप हो जाए। और आपको टाइमली 2-3 बार पीरियड खुल के आ जाएगा, तो आपको सेकेंड, जब आप सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे तो उसमें आपको रिस्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। और गैज, और क्यों आपको इतना टाइम दिया जाता है कि आप 2-3 महीने बाद ही कंसीव करें? इसमें क्या होता है, अगर आपके 2-3 बच्चे एबॉर्ट हुए हैं तो आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगी कुछ ब्लड टेस्ट के लिए कि क्यों आपका बच्चा बार बार एबॉर्ट हो रहा है। ब्लड टेस्ट में क्या क्या कराएंगी? मोस्ट ऑफ द रीजंस ये देखा गया है कि 75% जो बच्चा एबॉर्ट होता है वो क्रोमोसोमल डिफेक्ट की वजह से होता है। तो इसमें गाइज, उन लोग जेनेटिक टाइपिंग यानी कैरोटाइपिंग टेस्टिंग कराएंगी क्रोमोजोम डिटेक्ट करने के लिए, साथ में आपका ब्लड टेस्ट कराएंगी जैसे कि थायराइड लेवल हुआ, शुगर लेवल हुआ, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल आपका चेक करवाएंगी और ब्लड डिसऑर्डर, इसके साथ साथ आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ब्लड टेस्ट के थ्रू होगा। इसके साथ साथ डॉक्टर्स आपकी यूएसजी एब्डोमिनल बाय एब्डोमिनल या फिर टीवीएस करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं इसमें, या तो पेट के थ्रू या तो वेजाइनल के थ्रू। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज को डिटेक्ट करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखा जाता है। इसके साथ साथ गाइज, एसएसजी भी करना रहता है,
HSG मीन्स क्या होता है, हिस्टोसेल्फ एंजियोग्राफी। इसमें क्या होता है, ट्यूब्स को देखने के लिए ठीक है एक डाई डाला जाता है, जिससे वो एक्सरे की तरह, जैसे एक्सरे में क्लिक किया जाता है पिक्चर, तो वैसे डाई डाल के एक्सरे लिया जाता है, जिससे एग्जामिन किया जाता है कि आपका ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं ब्लॉक है। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन आपको करा सकते हैं, सोनोहिस्टेरोग्राफी आपको करा सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक भी कभी कभी कराया जाता है। इसमें भी बच्चेदानी के बाहर की लेयर देखने के लिए, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज की बाहर की लेयर देखने के लिए कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपका बच्चा बार बार खराब हो रहा है। सो गाइज, ये डॉक्टर सारे आपके टेस्ट कराएंगे, टेस्ट कराने के बाद ही आपको हर चीज़ क्लियर कर लेंगी, उसके बाद ही वो आपको प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस करेंगी आफ्टर योर मिसकैरेज। सो गाइज, इसमें क्या होता है कि ओवुलेशन डे, जैसे ही आपका डीएनसी हुआ या फिर आपका एबॉर्शन हुआ, सेल्फ एबॉर्शन, वैसे ही ओवुलेशन डे स्टार्ट हो जाता है। ओवुलेशन डे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप मेरा पहले भी वीडियो देख लीजिए, मैं कई वीडियो में इसको बताई हूँ, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका एक अलग से वीडियो, ओवुलेशन डे को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे ही आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो गया, आप पीरियड, फर्स्ट पीरियड आने से पहले भी कंसीव कर सकती हैं। तो ओवुलेशन डे ये 2 वीक के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप फर्स्ट, अगर बेबी कंसीव, एबॉर्ट करने के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर है, अगर वो आप एबॉर्ट कर गई उसके बाद कंसीव कर गई, तो कोई रिस्क नहीं है नेक्स्ट मिसकैरेज के लिए। बट अगर आपके 2 या 3 बच्चे अबॉर्ट हुए हैं, तो आप पहले डॉक्टर को दिखाइए, सारे टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद ही फिर आप कंसीव करिए। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।